हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज का विषय है विज्ञान, और मैं विज्ञान से 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को मैंने चुना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके क्लास 10 के लिए। और मैं प्रत्येक 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए चार चार ऑप्शन दूंगा, जिसमें से एक सही होगा तो आप लोग उसमें चुनेंगे कि कौन सही है, और साथ ही मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सही आंसर भी बताते चलूंगा। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसके चार ऑप्शन तो होंगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग कमेंट करके बताएँगे, और ये भी बताएँगे कि आपने 10 में कितना सही किया है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी उत्तल में, और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग चुन लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं ना, दाढ़ी बनाने में जो सैलून में प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का एक और उपयोग बता दूँ आप लोगों को, ये दर्पण जो होता है ना, इसे डॉक्टर यूज करते हैं रोगियों के आँख कान नाक इटीसी दांतों को चेक करने में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों में कौन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सीधी रेखा में प्रकाश की किरण जो होती है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है ए यू बट्टे भी, बी भी यू भी, सी भी यू प्लस भी, डी भी बाई यू। तो इन चारों में आप लोग को जो सही लग रहा है पहले चुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी भी बटे यू, क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी बटे यू सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कांच, बी मिट्टी, सी जल, डी प्लास्टिक। तो इन चारों में से आप लोग चुन लीजिए कि कौन वो ऑप्शन है जो इसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन बी यानी मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। मिट्टी के कोई उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो इसमें से आप चुनेंगे कि कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है दूर से ही स्पष्ट दिख जाना, ठीक है। तो लाल रंग को आप लोग देखेंगे दूर से ही दिख जाता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों में, रेलवे लाइन के सिग्नलों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह है, माने मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, ये प्रश्न किया गया है। ए कर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो इन चारों में एक सही है, कौन सही है आप लोग जल्दी चुन लीजिए।
अब मैं इसका सही जवाब बता दूं, वो है दृष्टि पटल, यानी ऑप्शन डी सही है। दृष्टि पटल ही आँख में प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दृष्टि पटल पर ही हमने प्रतिबिंब बनता है, यानी फोटो बनता है या किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है ए एक यूनिट, बी 1000 यूनिट, सी 10000 यूनिट, डी इनमें कोई नहीं। तो इन चारों में कौन सा है, जल्दी से आप लोग चुन लीजिए। तो इसका सही जवाब है 1000 यूनिट, यानी 1000 यूनिट किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है ए वाट, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इन चारों में कौन सा है आप लोग जल्दी से चुन लीजिए। अब इसका सही ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन ए वाट, यानी वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग एसआई मात्रक को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है, जैसे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन विद्युत करंट जो तार होते हैं ना, जो ट्रांसफार्मर से आते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा होते हैं। दो होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगला प्रश्न, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताएंगे इसे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों धाराएं, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं, तो आप लोग फटाफट काउंट कीजिए कि आपने 10 में कितना सही किया, और उसे कमेंट में लिखें। और अगला प्रश्न जो है, जिससे मैं तो 4 ऑप्शन पक्का बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें कौन सही है ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ए कैलोरी, बी जूल, सी तापक, डी न्यूटन। तो इन चारों में जो सही लग रहा है आप लोग इसे कमेंट करें मुझे, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं, और प्लीज़ अभी तक यदि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करते रहें। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे एक नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, जो स्पेशली बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी जरूर इन सभी वीडियो को देखते रहें, और ऐसे भी हमारे चैनल पे लगभग आप सभी को 60 वीडियो ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आप उन सभी वीडियो को भी देखते रहें, और मेरे चैनल के द्वारा आप सभी को मैथ के बहुत सारे फुल वीडियो मिलने वाले हैं, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के, यदि आप चाहें तो भारतीय भवन के मैंने वीडियो बनाकर गणित को पढ़ाया है, जिसमें पूरा फुल प्रश्नों का हल किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे संस्कृत का भी वीडियो है, उसे आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल पे हिंदी व्याकरण की वीडियो है, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात कि मैं रोज़ आप सभी के लिए सुबह 5 बजे वीडियो जारी करता हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सके, वीडियो को भी आप लोग देखते रहें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, आप सभी को धन्यवाद।